नमस्कार दोस्तों, लम्बा तरह यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं महाप्रचंड वशीकरण उपाय की बात आपसे करने जा रहा हूं। ये एकमात्र का इतना शक्तिशाली तांत्रिक उपाय है जिसे आज तक दुनिया के शायद ही कोई इंसान बच पाया। मित्रों, उपाय तो बहुत से हैं वशीकरण से जुड़े, तांत्रिक विद्या से जुड़े, लेकिन यह बहुत ही खास है। ये उस समय किया जाता है जब हमें कोई रास्ता दिखाई ना दे। ये पौराणिक जमाने में किया जाता था बड़े बड़े ऋषियों या तांत्रिकों के द्वारा। इसके द्वारा आप किसी भी इंसान के मन मस्तिष्क में घर करना चाहते हैं, यानी कि उसे सिर्फ हमेशा आप के अलावा कुछ दिखे ही ना दुनिया में, तभी ये प्रयोग किया जाता है। और इसका कोई तोड़ नहीं है। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत से वशीकरण टोटकों के बाद में मेरे से तोड़ मांगे जाते हैं, तो मैं पहले बताता हूँ इसका कोई तोड़ नहीं है। तो बहुत सावधानी से करें, बहुत सोच समझ के करें। यदि वास्तव में आप किसी को काबू में वशीभूत करना चाहते हैं तो थोड़ा सोचें पहले क्यों करना चाहते हैं, विचार विमर्श कर लें। विचार अच्छा होना चाहिए, इसका कोई तोड़ नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो आगे की विधि बताने से पहले गुरुदक्षिणा के रूप में मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी वीडियो व नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जिनके जीवन में बहुत सी परेशानियाँ चल रही हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी पोस्टें आपके घर से जुड़ी हुई हैं। वास्तु शास्त्र से, ग्रह क्लेश से वीडियो आपको डाले जाते तो आप जीवन में एक बार वास्तु शास्त्र से जुड़ी हुई या कुछ भी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हो तो उन छोटे से उपाय को करके देखिए, आप वास्तव में उनका 100% परिणाम देखेंगे। मैं स्वयं बैठा हूँ साक्षात्कार, आप उनका परिणाम देखेंगे, इस बात का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। तो करना क्या है आपको, एक चावल से स्वास्तिक का निशान बनाना है, श्री गणेश यानी कि स्वास्तिक। बाजरा, देसी बाजरा लेना है जो बारिश के पानी से उगा हुआ हो। देसी बाजरे का एक पेड़ आपको तैयार करना है। एक तेल का मिट्टी का दीपक लेना है। 5 हरी इलायची चाहिए आपको। तो उस इंसान से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ या उसकी 10-15 दिन पहले की तस्वीर, बस इतना सा। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को आप वश में करना चाहें और वह हो जाए, तो ऐसा कभी होता नहीं है। जिसे आप जानते पहचान, जो जो आपको जानता पहचानता है, उसे ही आप इस विधि के द्वारा कर सकते हो। अन्यथा यह निष्कर्ष किसी कार्यवर से आपके काम नहीं आएगा। हाँ, जिसे आप जानते हो और वास्तव में वश में करना चाहते हो, 100% होगा, 100% होगा। महिलाएं मार्जिन धर्म में ना करें। पुरुष यदि शराब मांस आदि का सेवन करते हैं तो 1 महीना पहले या 21 दिन पहले आपको छोड़ना पड़ेगा और किसी से शारीरिक संबंध 7 दिन तक नहीं बना। उस इंसान की तस्वीर या उससे जुड़ी हुई चीज रखें, उसके बाद 1 1 हरी इलायची रखें। स्वास्तिक के भी जो चारों कोनों में जहाँ निशान होता है, स्वास्तिक का एक संकेतवाचक होता है, उसके बाद में उसके बीच में एक पेड़ा रखें। इस पेड़े के नीचे आप उसका उससे जुड़ी हुई कोई चीज, उसकी रिंग या कोई भी अन्य चीज या उसका फोटो रख देना है। फोटो रख देने के बाद आपको इसके ऊपर 1 इलायची गाड़ देनी है। ये इलायची आपको अपने मस्तिष्क पर लगानी है, नाभि पर लगानी है, मस्तिष्क पर और नाभि पर लगानी है। उसके बाद प्रणाम करके आप उस इंसान को याद करके इसे रख दें। उसके बाद आपको इस दीपक को इसके ऊपर रख देना। रख देने के बाद उसका 21 बार नाम लेकर आपको जिस तरीके से सीधी फेरी इस तरीके से लगती है, तो आपको इस तरीके से उल्टी फेरी लगानी है। यहाँ से शुरू करना, उल्टा 21 फेरी, 21 बार नाम लेकर ये प्रयोग आपको करना है, इतना याद रखें। अब करते समय आप जिन भी इष्ट को मानते हैं उनका कोई भी बीज मंत्र आप ध्यान में केंद्रित करके उच्चारण करें। बहुत से लोगों को अपने इष्ट का बीज मंत्र नहीं पता है, अपने इष्ट, क्योंकि सभी अलग अलग धर्म के लोग होते हैं तो अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग मंत्र का जाप। मैं जो बता देता हूँ कुछ लोग कर नहीं पाते, तो आप अपने अनुसार उस मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन सच्चे दिल से कीजिए, यही वास्तव में कार्य। उसके बाद आपको अपनी 10 उंगलियों में से 1 उंगली का थोड़ा सा खून निकालना है मंत्र पूर्ण होने के बाद।
इस पौधे के यानी कि इस पेड़ के, माफ कीजिएगा पौधे बोल दिया, पेड़ के आपको तिलक लगाना है, खून का, स्वयं का खून होना चाहिए, इतना याद रखिए, ये जरूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। जो लोग नहीं करवा रहे हैं वह इस कार्य को नहीं करें, अन्यथा आप केसर चंदन जो शुद्ध होता है उसका तिलक कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसका खून का अंश एक चाहिए। उसके बाद इस पेड़े और इन इलायचियों को इनके अंदर गाड़ के चावल के समेत आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें 3 दिन बाद। इंसान कभी जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपके साथ रहेगा हमेशा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इसका तोड़ नहीं है तो बहुत सोच समझ के करें। इसके अलावा अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है तो आप बीजे को मुझे कॉल भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। करना किस दिन है? शनिवार रात्रि को 11 बजे के बाद, याद रखें। दिशा उत्तर रहेगी, आसन काला रहेगा, वस्त्र भी काले रहेंगे। तो आपके भविष्य की मंगल कामना करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।